कैंट पुलिस को जबरदस्त सफलता। कैंट पुलिस की सक्रियता ने वाहन चोरी में लिप्त गिरोह को पकड़ा। पुलिस अधीक्षक नगर दिनेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मिली बड़ी सफलता। गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरियां। अंतरप्रांतीय बाइक चोर गिरोह का सरगना ने चार साथियों के साथ गिरफ्तार। चोरी की 21 बाइक और एक बाइक का कटा हुआ इंजन बरामद। वाराणसी कैंट थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए बाइक चोरों को आज 8 अप्रैल सोमवार को वाराणसी पुलिस लाइन में एसएसपी सुरेश राव, आनंद कुलकर्णी और कैंट क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार आईपीएस ने मीडिया के सामने पेश किया। कैंट पुलिस की इस बड़ी सफलता पर एसएसपी ने 15,000 का इनाम देने की घोषणा की है। मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का सरगना ने 5 साथियों सहित गिरफ्तार। कब्जे से 21 चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद कटा इंजन व 6 विभिन्न गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद हुआ है। वाराणसी के एसएसपी द्वारा लोकसभा चुनाव 2019 के परिप्रेक्ष्य में थाना कैंट क्षेत्र में हो रहे मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए प्रभारी कैंट को निर्देशित किया गया। मोटरसाइकिल चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं इस अभियान में 8 अप्रैल सोमवार को पुलिस अधीक्षक शहर दिनेश सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंट डॉक्टर अनिल कुमार की टीम को अंतरप्रांतीय मोटरसाइकिल चोरों की गिरोह का सरगना ने 5 साथियों सहित गिरफ्तार करने में अहम सफलता प्राप्त हुआ। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। चोरी की गाड़ियां हैं और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो शुभम सिंह, सचिन कुमार गौतम, बबलू राजभर, सुभाष कुमार, सनम दिनेश कुमार और दीपक कुमार पटेल। इसमें से शुभम सिंह वाराणसी का है और सचिन कुमार गौतम केराकर जौनपुर का है और बबलू राजभर भी जौनपुर का रहने वाले हैं। अन्य अभियुक्त जो है वाराणसी के रहने वाले हैं। ये लोग विभिन्न स्थानों से गाड़ियां चोरी करके उनको गैरेज में उनके इंजन, पुराने गाड़ियों के इंजन के साथ एक्सचेंज करके वो गाड़ियां बेचने का काम कर रहे थे लगातार। टोटल 21 गाड़ियां बरामद हुई है और 6 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई है, जिससे अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग प्रेस करेंगे कि क्या ये भी ऐसा लग रहा है कि इन गाड़ियों को ऑलरेडी उनको काटा गया है और उसको इंजन बंदी करके उनको बेचा गया है, तो इससे में भी और भी संख्या रिकवर्ड जो गाड़ियाँ प्रेस होने की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। टोटल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, पर इसके बारे में और भी वेरिफिकेशन और इसके बारे में और जानकारी करने का काम कर रहे हैं और एक बड़ी उपलब्धता है ये 21 गाड़ियाँ एक साथ बरामद। ये कैंट पुलिस ने आज एक अच्छा काम किया है जिसमें 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक गैंग बना के काम कर रहे थे और बनारस जनपद से गाड़ियां चोरी करके आसपास के जनपदों में ये गाड़ियां बेचने का काम कर रहे थे। जो पकड़े गए अभियुक्त हैं उनके नाम है शुभम सिंह, सचिन कुमार गौतम, बबलू राजभर, सुभाष कुमार, दीपक कुमार पटेल। ये 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये लोग लगातार पिछले 2 साल से शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कर रहे थे, वाहन चोरी करके। ये इनको गैरेज में रखते थे और गैरेज में बाद में इनका नंबर प्लेट चेंज करते थे और कुछ पुरानी गाड़ियां जो रखी रहती थी उनके साथ भी इसका गाड़ी का इंजन एक्सचेंज करने का काम ये कर रहे थे। उसके बाद नॉर्मली इनका टारगेट ग्रुप स्टूडेंट्स रहता था, स्टूडेंट्स को ये लोग देहात क्षेत्र में ये गाड़ियाँ बेचते थे जिससे शक ना हो, और धीरे धीरे करके इन गाड़ियों को बेचने का ये लोग काम कर रहे थे। इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है, पर फिर भी संबंधित जनपदों से और संबंधित थानों से पूरी तरह से वेरीफाई किया जा रहा है कि इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। अभी तक 21 गाड़ियां बरामद हुई है और 6 गाड़ियों की नंबर प्लेट भी साथ में बरामद हुई है।
इनको भी वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या इन गाड़ियों की चोरी की गाड़ी है, इसको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धता और बड़ी कामयाबी पुलिस को आज मिली है। सर, ये जनपद स्तर पे ही हैं या फिर जनपद के बाहर भी कार हैं? ये अभी तक जो इन्होंने घटनाएं की है वो वाराणसी जनपद की ही संज्ञान में आई है। अब ये गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर से जब हम इनको वेरीफाई करेंगे तो गाड़ियाँ एग्जैक्ट कहाँ से चोरी गई है इसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, और फिर उसके अनुसार हम लोग और भी कार्रवाई करेंगे।